हेलो फ्रेंड्स, भाई इस समय जो मेजॉरिटी ऑफ द कैट एस्पिरेंट्स है भाई, उनका एक चैलेंज सामने आ रहा है। सर, हमारे मॉक्स में नंबर नहीं बन रहे हैं, मेरे से इस साल कैट क्रैक नहीं होगा, मैं छोड़ रहा हूं, आई एम डन विद इट। भाई एक बात ध्यान रखो, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। एक बात समझो ना मेरी बात, कि कैट के मॉक में कम मार्क्स आ रहे हैं ये ज्यादा बेटर है, या एक्चुअल कैट में कम मार्क्स आ रहे हैं वो बेटर है। भाई डेफिनेटली ना, अगर मॉक में कम आ रहे हैं तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आपके कैट के मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं तो कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। अगर हम सही से अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करें, अगर हम सही से एनालिसिस करें एंड जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करें, तो आप डेफिनेटली एक्चुअल कैट में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट लास्ट ईयर भी थे, उससे पहले भी थे, हमेशा ऐसे होते हैं जिनके मॉक्स में 60s 70s परसेंटाइल बन रहे हैं, बट एक्चुअल कैट में दे स्कोर अबव 98। तो कोई बहुत ज्यादा चीज चेंज नहीं करनी है, थोड़ी सी बस हमें ट्वीक करनी है जो अपनी स्ट्रेटजी है, एंड देन इवेंचुअली वी कैन सी द ऑप्टिमम रिजल्ट। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। एंड अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट देने स्टार्ट नहीं करे हैं, या फिर अगर आप एडिशनल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, तो भाई एक बात ध्यान रखना, मॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी कैट प्रिपरेशन के लिए, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आप रियल टाइम में कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी एक्यूरेसी कहाँ है, आपके अटेम्प्ट कहाँ है। तो इसीलिए भाई हमारी कैट की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है, जिसमें आपको 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा होता है, उसका सॉल्यूशन आता है जब आप पेपर सबमिट करते हो कि ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, डिफिकल्ट था या एडवांस था, या फिर इजी था, मॉडरेट था, कितने लोगों ने वो पेपर में क्वेश्चन सही करा था, कितनों ने सही नहीं करा। ऑल ओवर इंडिया आपकी नेशनल परसेंटाइल आती है। एंड भाई ये जो मॉक्स है, ये इस तरह से डिजाइंड है कि आप हर एक पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहो। मतलब कैट जो है, इट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, इट इज अनप्रिडिक्टेबल। तो कहने का मतलब ये मॉक्स ऐसे जिसमें आपको कुछ मॉक्स इजी मिलेंगे, कुछ मॉक डिफिकल्ट मिलेंगे, कुछ बहुत मॉडरेट मिलेंगे, कुछ ऐसा होगा जिसमें दो सेक्शन डिफिकल्ट है, किसी में एक सेक्शन डिफिकल्ट है, ताकि हर एक पॉसिबिलिटी के लिए आप तैयार रहो। आप ये नहीं कह सकते कैट डिफिकल्ट आएगा, कैट एडवांस आएगा, या फिर कैट इजी आएगा या मॉडरेट आएगा। आपको हर पॉसिबल सिचुएशन के लिए अपने आपको तैयार रखना है। इसी तरह से मॉक टेस्ट पेपर भी बनाए गए हैं। उसके बाद 25 आपको सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं, ताकि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे वर्बल हो, चाहे क्वांट हो, चाहे एलआरडीआई हो, तो वहां पे आप इंप्रूवमेंट ला पाओ। तो भाई 8 वर्बल के सेक्शनल मॉक मिलते हैं, 8 क्वांट के एंड 7 एलआरडीआई के। इसके साथ ही जो कैट के लास्ट 2 साल के एग्जाम्स हैं, कैट 17 और कैट 18, भाई उसका मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट, इसी तरह से 18 का मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट, ये भी मैंने आपको मॉक की फॉर्म में दिए हैं, ताकि आपके पास 4 एडिशनल मॉक्स और आ गए। एंड आपको यह भी पता चल जाएगा लास्ट 2 सालों में किस तरह का पेपर एंड किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना था, ठीक है। एंड इसका भी डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको भाई फीचर मिलता है एक लर्निंग जोन में जाके, क्रिएट योर ओन टेस्ट। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आरसी में चैलेंज फेस कर रहे हो, इन्फ्रेंस बेस्ड आरसी में, तो आप वहां पे जा सकते हो, इन्फ्रेंस बेस्ड आरसी सेलेक्ट कर सकते हो, एंड वहां पे अपना डिफिकल्टी लेवल खुद सेलेक्ट कर सकते हो, इजी, मॉडरेट या एडवांस। नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करो, आपके सामने इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो यहां से आप अपने पर्टिकुलर टॉपिक को इंप्रूव कर सकते हो, ताकि आपका यहाँ पे भी बेटरमेंट हो पाए। इसी तरह से मान लो मैथ्स है, उसमें आपका प्रोबेबिलिटी वीक है, प्रोबेबिलिटी का इंडिविजुअल टॉपिक टेस्ट बना सकते हो एंड उसको आप अपियर कर सकते हो। हर एक टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशन आएगा, सारे के सारे मॉक्स अनलॉक्ड होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी जब आपको टाइम मिले आप उन मॉक को दे सकते हो। एंड एक्चुअल कैट का जो इंटरफेस है, वैसे इंटरफेस यहाँ पे रहता है, ताकि आपको रियल टाइम एनवायरमेंट फील मिलता रहे। ये जो टेस्ट सीरीज है, ये अगर आप बाय करना चाहते हो तो studybus.co.in पे जाके बाय कर सकते हो। बाय करने के विद इन 24 आवर्स में आपके ईमेल पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाता है, उसके बाद अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद में अगर आपसे बात करूं, जो आपका चैलेंज है सर, स्कोरिंग लो मार्क्स इन मॉक टेस्ट, भाई बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है, बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, हम सोचते हैं हमने इतनी मेहनत करी, वो सारी की सारी क्या वेस्ट हो गई है, हमारा कोई इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड कभी कभी आपने चैलेंज देखा है कि भाई मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, गिव अप करने की फीलिंग आ रही है, एंड हमें लग रहा है सर मैं नेक्स्ट ईयर ट्राई करूंगा, या फिर मैं कैट ऑल टुगेदर छोड़ ही रहा हूं, ये मेरे मतलब का एग्जाम है ही नहीं। भाई ये पर्पस नहीं होता मॉक टेस्ट देने का। मॉक टेस्ट देने का पर्पस ये होता है कि आप अपनी मिस्टेक से इंप्रूव करो एंड एक्चुअल एग्जाम में बहुत बेटर स्कोर ला पाओ, रादर देन कि मॉक देख के, मॉक का स्कोर देख के आप डिप्रेशन में जा रहे हो। आपको मॉक देना है
मॉक स्कोर से आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली इंप्रूव होगा, तभी तो मॉक दे रहे हैं। तो अभी से अगर हम होपलेस हो जाएंगे तो क्या फायदा हुआ? अभी हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट रहूंगा मॉक देते टाइम, चाहे मेरा कम स्कोर आ रहा है चाहे ज्यादा स्कोर आ रहा है, मैं उस मॉक का एनालिसिस अच्छे से करूंगा ताकि हर नेक्स्ट मॉक में मैं अपने स्कोर को बेटर कर पाऊं। तो अभी मेरे को ये समझना है व्हाई स्कोरिंग लेस, मैं स्कोर कम क्यों ला पा रहा हूं, इसके रीजंस क्या क्या हैं। तो अगर हम रीजंस आइडेंटिफाई करें तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? सर मेरी जो एक्यूरेसी है वो बहुत पुअर है, तो लेस एक्यूरेसी है एंड इस वजह से मैं ज्यादातर क्वेश्चन करता हूँ एंड मेरे वो नेगेटिव हो जाते हैं, जहां पर मेरा स्कोर +3 होना चाहिए था वहां पर -1 हो जाता है एंड इस वजह से मेरा स्कोर लेस हो रहा है। सेकेंड जो प्रॉब्लम है वो है पुअर अटेम्प्ट्स। सर मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत कम है, मेरी स्पीड बहुत स्लो है, जिसकी वजह से मैं उतने क्वेश्चन कर ही नहीं पाता कि मैं 90, 95 या 98% ला पाऊं। थर्ड सर मैं जब पेपर देता हूं तो मेरा पैनिक बटन ऑन हो जाता है, मैं देखता हूं कि सर जब मैं एनालिसिस कर रहा होता हूं तो वही क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूं बट एग्जाम टाइम में मैं वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता। फोर्थ जो मेजर चैलेंज है जो आ रहा है वो है सिली मिस्टेक। सर जब मैं एनालिसिस करता हूं तो मैं ये फिगर आउट नहीं कर पाता कि ये मिस्टेक मैंने एक्चुअल एग्जाम में करी तो करी कैसे, मेरा एक सिली मिस्टेक का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंज आता है सर, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऐसा है जो पर्टिकुलर सेक्शन मेरे स्कोर को कंसिस्टेंटली फॉल कर रहा है एंड मैं उसकी वजह से इंप्रूव नहीं कर पा रहा, चाहे वो LRDI हो चाहे वर्बल हो चाहे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से आप अपने स्कोर को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो। अब इनका सॉल्यूशन क्या है, हमें इस पे वर्कआउट करना है। ये सॉल्यूशन नहीं है कि प्रिपरेशन छोड़ दो, सॉल्यूशन ये है कि इसमें से जो भी चैलेंज है उस चैलेंज पे हम लोग काम करेंगे एंड इवेंचुअली हम लोग अपने स्कोर को इंप्रूव करेंगे। उससे पहले ये समझ लो कि आपका टारगेट स्कोर होना क्या चाहिए। अगर आप कैट एग्जाम में 99% टारगेट कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेट 150 मार्क्स लाने, हमें पता है एग्जाम हमारा 300 मार्क्स का है, ठीक है, तो हमें अप्रोक्सीमेट 50% सही पेपर करना है ताकि 99% आ जाए। अगर मैं 90% टारगेट कर रहा हूं तो भाई मेरे 103 मार्क्स एक्चुअल एग्जाम में होने चाहिए, तो यही मुझे मॉक में भी आसपास अपना टारगेट रखना है। अगर मैं टारगेट कर रहा हूं भाई 80% से ऊपर लेके आना है तो मुझे 79-80 मार्क्स के आसपास लाना है एंड इफ यू आर टारगेटिंग 99.5+ देन भाई 167-170 मार्क्स आपको मॉक में लाने हैं। तो ये मेरे टारगेट एक फिट होना चाहिए माइंड में, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में सेव कर लो चाहे प्रिंट आउट निकाल के अपनी स्टडी टेबल पे लगा लो ताकि आपका माइंड एकदम एक्टिव रहे कि मुझे यहां तक पहुंचना है। अब पहुंचना कैसे ये समझते हैं। देखो राइट वे ऑफ एनालिसिस क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका मॉक का एनालिसिस करते कैसे, देखो अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो मेरे सामने क्या होता है, मैंने एक मॉक टेस्ट पेपर दिया उसमें 100 क्वेश्चन थे, करेक्ट। उस 100 क्वेश्चन में से मैंने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए, ठीक है। अब अनअटेम्प्टेड मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे वो आते नहीं थे या मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये क्वेश्चन को अप्रोच करूं तो करूं कैसे। जो अटेम्प्टेड वाले क्वेश्चन थे वो भी तो मेरे सारे सही नहीं होते, इसमें भी दो चीजें होती हैं, या तो मेरे क्वेश्चन सारे करेक्ट हैं या फिर मेरे कुछ क्वेश्चन ऐसे जो रॉन्ग है, ठीक है। अब जो मुझे वर्कआउट करना है वो किस चीज पे करना है, एक चीज तो ये समझो कि सबसे पहले जब मैं एनालिसिस करूं आप ये देखो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने थे। मान लो मैंने 100 क्वेश्चन थे, 100 में से मैंने 60 अटेम्प्ट करे एंड 60 अटेम्प्ट करें तो 40 मैंने नॉट अटेम्प्टेड है, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है। इन 60 में से एंड ये मेरे 40 हैं, ठीक है, इन 60 को मैंने अटेम्प्ट क्या सोच के किया था कि मेरे आंसर्स करेक्ट है, लेकिन इनमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत हो गए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मेरे राइट जो क्वेश्चन थे वो इन 60 में से फॉर एग्जांपल 45 करेक्ट थे एंड भाई मेरे 15 क्वेश्चन गलत हो गए जिसको मैंने सोचा था ये सही होंगे, जहां पे मुझे 15 × 3 = 45 मार्क्स एडिशनल मिलने चाहिए थे वहां मेरा -15 हो गया। बात समझ रहे हो। तो अब एनालिसिस हमें करना कैसे, जो मेरे राइट क्वेश्चन थे वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, हमें वर्कआउट करना है पहली चीज जो मेरे क्वेश्चन गलत थे, दूसरा जो क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्टेड थे। अब मैं वो सारे क्वेश्चन ओपन करूंगा जो रॉन्ग थे। सबसे पहले मुझे ये क्वेश्चंस देखने हैं कि भाई जो मेरे रॉन्ग क्वेश्चंस हुए हैं वो मेरे रॉन्ग हुए क्यों, क्योंकि जब मैं उस टाइम सॉल्व कर रहा था उस समय सॉल्व करने के बाद मेरे को सही आंसर आना चाहिए था। तो अब आप चेक करोगे आपकी कोई सिली मिस्टेक थी क्या, कोई सिली मिस्टेक थी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस इसका एक नोट बना लेना कि आगे से ऐसी गलती नहीं करनी है। या फिर भाई आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी या फिर आपने भाई क्वेश्चन रीड करने में मिस्टेक कर दी, तो ये सारे ह्यूमन एरर्स होते हैं जिनको आप डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हो 4-5 मॉक्स में, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं जिनको आपने ये सोचा था करेक्ट होने चाहिए वो रॉन्ग क्यों है इस पर आप वर्कआउट करो। इससे आपकी क्या हुई, इससे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है। जब आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। मान लो मैं 60 क्वेश्चन कर रहा हूं और 60 में से मेरे 54 करेक्ट हैं,
90% की एक्यूरेसी, तो मेरा कॉन्फिडेंस ये कहता है कि मैं ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं क्योंकि मैंने एक्यूरेसी अचीव कर ली है। अब मैं बात करता हूं अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन की। मेरे सामने 40 अनअटेम्प्टेड थे। ये अनअटेम्प्टेड इसलिए हैं, जैसे ही क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पे आया मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या करना है। तो अब आपको इन क्वेश्चन को वन बाय वन ट्राई करना है वापिस सॉल्व करने का। वापिस सॉल्व करने का मतलब अभी आप सॉल्यूशन नहीं देखोगे, रॉन्ग वाले आपने सॉल्यूशन देख लिए वेल एंड गुड, बट आप अनअटेम्प्टेड वाले के सॉल्यूशन नहीं देखोगे। इन क्वेश्चन को आप इंडिविजुअली फिर से ट्राई करोगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको ये रियलाइज हो कि ये जो अनअटेम्प्टेड है ये अनअटेम्प्टेड इसलिए है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या फिर इसलिए है कि आपका पैनिक बटन ऑन हो गया। अगर पैनिक बटन ऑन हो गया था एंड आप अनअटेम्प्टेड वाले जब बाद में सॉल्व कर रहे हो और वो हो पा रहे हैं, इसका मतलब आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो। बस आपको अपनी नर्व्स को होल्ड करना है पेपर देते टाइम, ठीक है? उसका भी डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। अगर आप कॉन्सेप्चुअली वीक हो तो इस कॉन्सेप्ट को आप स्टडी करो, उस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली देखो क्या कॉन्सेप्ट लगना था, उसका अपनी नोटबुक में क्वेश्चन लिखो, उसका सॉल्यूशन लिखो क्या सॉल्यूशन करना था, ताकि आने वाले टाइम में जब फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन मिले नेक्स्ट मॉक में या किसी सेक्शन मॉक में तो आप उस क्वेश्चन को बेटर तरीके से अप्रोच कर पा रहे हो। तो इससे क्या होगा, इससे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं। बात समझ रहे हो? एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस को सही तरीके से करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आपके क्या हो रहा है, अब आपने ये देखा कि सर मेरा पैनिक बटन ऑन हो रहा है, आपको अपनी प्रॉब्लम पता चल गई, या फिर आपको ये पता चला मैं कॉन्सेप्चुअली वीक हूं इसलिए मैं ये टॉपिक नहीं कर पाया। मान लो वो एलजेब्रा का क्वेश्चन था, पीएनसी का क्वेश्चन था, तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक को जाके देखना है, उसके नोट्स को देखना है एंड उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपने नोट से रिलेट करके उसका सॉल्यूशन अपने एक नोटबुक में लिखना है। एक फेयर रजिस्टर बना लो सिर्फ मॉक टेस्ट का और उसमें अपने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को लिखते रहो। आप देखोगे एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट किसे कहते हैं वो आपको खुद ही देखने को मिल जाएगा विद इन 10 मॉक्स। अब मैंने आपको ये बहुत डिटेल में चीजें बताई, अब इसके ऊपर और क्या क्या चीजें करनी है। अगर आपका पैनिक बटन ऑन हो रहा है, आप भाई पेपर देख के होपलेस हो जाते हो, जब वो टाइमर कम हो रहा होता है तो आप डरने लगते हो, तो उस चीज को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है सेक्शनल करो। भाई मैं 3 घंटे में होपलेस हो जाता हूं लेकिन अगर मेरे सामने 1 घंटे का पेपर चल रहा है या फिर मैंने कोई टॉपिक टेस्ट दिया है एंड ऊपर टाइमर चल रहा है तो मैं एक बेटर पोजीशन, एक बेटर डिसीजन ले सकता हूं कि जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चंस को करूं। भाई नर्व्स अगर आपने अपनी होल्ड कर ली तो आप देखोगे 10 से 15 क्वेश्चन का वेरिएशन तो वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो ये चीज अपने आपको देखोगे, अगर आपको पैनिक चीज को इंप्रूव करना है जो आप होपलेस हो जाते हो टाइमर देख के, आप अपने सारे सेक्शनल मॉक्स, अपने सारे टॉपिक टेस्ट भी टाइमर के साथ ही करो ताकि ये फियर आपका खत्म हो जाए। एंड कॉन्सेप्चुअल वाली प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दी क्या करना है। अब मैं इंडिविजुअल सेक्शन की बात कर रहा हूं। मैंने कहा मेरे सामने सर 3 सेक्शन है, वर्बल का है, एलआरडीआई का है एंड क्वांट का सेक्शन है। अब मुझे करना क्या है, भाई वर्बल में आपको पता है मेरे सामने आरसीज आ रहे हैं, मेरे पास पैरा जंबल्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, पैरा समरी या पैरा कंप्लीशन आ रहा है, मेजर मेजर पेपर आपका यही होता है, ठीक है? और आपको पता है कि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं टीटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कभी सही हो जाते हैं कभी सही नहीं होते हैं। आरसीज में आपके साथ मेजरली ये होता है आपको लगता है सही है बट वो गलत हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप आरसीज में क्या चीज प्रॉब्लम करते हो, आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो एंड 2 आपके बचते हैं एंड वहां पे आप फिगर आउट नहीं कर पाते। देखो वर्बल जो है बेटा एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को इंप्रूव करने में टाइम लगता है एंड अभी हमारे पास टाइम इतना है नहीं। तो मेरा जो अप्रोच रहता है मैं क्या करता हूं, जब भी मैं आरसीज की प्रैक्टिस करता था या फिर भाई आप लोग आरसीज का प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जब आप आरसीज के क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हो तो देखो जो सॉल्यूशन में आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो सॉल्यूशन में आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है, उस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्यों गलत है। मैं ये चीज क्यों कह रहा हूं, बहुत ध्यान से आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है। अगर आप आरसीज को बार बार सॉल्यूशन देखोगे, एक आरसी का सॉल्यूशन, दूसरा आरसी का सॉल्यूशन, तीसरा आरसी का सॉल्यूशन एंड उसका आप एक्सप्लेनेशन रीड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट को वीक करता है, आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन। तो अब अगर आप 4 मॉक्स में 5 मॉक्स में आप आरसी के सॉल्यूशन में देख रहे हो कि क्या एक्सप्लेनेशन रह रही है तो यू विल बी एबल टू ड्रॉ अ पैटर्न, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि वीक करने वाले टाइम जो हम सॉल्यूशन देख रहे हैं उस सॉल्यूशन में कोई भी आउटसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो पैसेज में मेंशन नहीं है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां पे पैटर्न ड्रॉ होने लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये चीज करनी है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये चीज करनी है। तो वर्बल में आरसीज के एक्सप्लेनेशन में बहुत टाइम स्पेंड करो, ठीक है? उसके बाद जहां तक बात है पैरा जंबल्स की, पैरा जंबल्स में आपको क्या करना है, पैरा जंबल्स में आप इस चीज को समझो कि यहां पे आपको ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस करनी होती है। तो यहां पे आपको ना कुछ बेसिक चीजें समझनी है। मेरी एक वीडियो भी है चैनल पे हाउ टू सॉल्व पैरा जंबल्स इन कैट, इसको सर्च करना,
उसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई हैं, कुछ 19-20 ट्रिक्स, उसके बाद आप देखोगे पैरा जंबल में आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी जो एक्यूरेसी है वो 85-90% तक इंप्रूव हो सकती है। तो उस वीडियो को ध्यान से देखना, उसके नोट्स बना लेना, उसके बाद पैरा जंबल में वो ट्रिक्स आप अप्लाई करते रहना। उसके बाद अगर मैं बात करूं पैरा सबमिशन, पैरा कंप्लीशन, इसको भी जब आप सबमिट करते हो आप सॉल्यूशन देखो, एंड सॉल्यूशन में ये अंडरस्टैंड करो कि क्या वो मेजर चीजें हैं कि आपका आंसर गलत था, एंड आपका आंसर गलत था तो क्यों था, आपने क्या एक्स्ट्रा चीज सोची थी, वो थॉट प्रोसेस को एलिमिनेट करना है। एंड ये चीज को अंडरस्टैंड करना है कि जो ऑथर कह रहा है या जो सॉल्यूशन कह रहा है वो किस पॉइंट पे फोकस होके वो पैरा समरी उसका बना रहा है या पैरा कंप्लीशन कर रहा है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखोगे, आप अगर पैटर्न मेथडोलॉजी फॉलो करोगे वर्बल में, तो आपका स्कोर ज्यादा जल्दी इंप्रूव होगा। फिर मैं बात करता हूँ एलआरडीए की। एलआरडीए में टोटल मेरे सामने 8 सेट्स होते हैं, ठीक है। 8 सेट्स में से मेरे को ये पता है सर, 4 सेट जो होते हैं वो इजी होते हैं, 2 सेट जो होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, एंड 2 सेट जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं। एलआरडीए में हम मेजरली इसलिए स्कोर नहीं कर पाते हैं जनरली, क्यों? क्योंकि भाई मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा स्टक हो जाता हूं, या फिर ऐसा होता है मैंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पिक कर लिया और मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतना टाइम स्पेंड करता हूं कि मैं बाकी क्वेश्चन देख ही नहीं पाता। तो यहां पे आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको ये चीज समझनी है यहां पे मेरे साथ कि बॉस 8 सेट है ना, आप स्टार्टिंग के 4 से 5 मिनट लगाओ, 4 से 5 मिनट लगा के आप सारे क्वेश्चन को गो थ्रू करो, एंड जो उसके ऊपर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, जो 4-4 क्वेश्चन का सेट है उसको भी गो थ्रू करो। उसके बाद आप अपने आप से डिसाइड करो कि भाई कौन से क्वेश्चन का क्या मेरिट है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पिछले 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, बार बार हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि सर मेरा एलआर का ये पर्टिकुलर टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, मैं यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकता हूँ। एंड जब आप क्वेश्चन को रीड करते हो तो क्वेश्चन को रीड करके आप ये आइडिया लगा सकते हो कि यार ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ईजी है, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो एलआरडीआई इज ऑल अबाउट पिकिंग द राइट सेट। अगर आपने ये आर्ट लर्न कर ली, हाउ टू पिक राइट क्वेश्चंस, तो फिर मतलब ये हो गया कि आप इस सेक्शन में पर्टिकुलरली एस करने वाले हो। तो यहां पे आपको करना क्या है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है 4-5 मिनट लगा के कि ये 4 सेट है जो मैं पहले अटेम्प्ट करूंगा, एंड आप वो 4 सेट पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद आप रिमेनिंग टाइम में अदर सेट्स अटेम्प्ट करो, ठीक है। एक सेट को ट्राई करो, 7 से 8 मिनट अगर आपने स्पेंड कर दिए और आपको लग रहा है ये सेट किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो छोड़ दो, कोई उसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, ईगो पे लेने की जरूरत नहीं है कि मैं सॉल्व करूंगा ही करूंगा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। या फिर अगर आपने 7-8 मिनट स्पेंड करे ना, आपने काफी हद तक सॉल्व कर लिया है, आपको लग रहा है कि आंसर आने वाला है, तो 2 मिनट और एडिशनल स्पेंड करो। ये सब चीजें इंप्रूव होंगी, कब पता चलेगा, जब आप एलआरडीए के सेक्शनल दोगे 1-1 घंटे के, तब आपको आइडिया लगेगा कि हाँ यार इस टाइप के क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए था। जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो आप जब सॉल्यूशन देखोगे तो आपको ये चीज अंडरस्टैंडिंग बनेगी, यार ये वाला सेट मुझे करना चाहिए था, मैंने एग्जाम में पिक नहीं करा, मॉक में पिक नहीं करा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, एक्चुअल कैट में ये गलती नहीं होनी चाहिए, तो फिर आपको ये अटेम्प्ट करना है। तो आप टारगेट ये रखो कि मैं भाई हर एक पेपर में जब भी एलआरडीए का सेट अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मैं 5 मिनट स्पेंड करके ये देखूंगा कौन सा मेरे लिए इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा डिफिकल्ट है, एंड क्वेश्चन की मेरिट के हिसाब से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। एंड सेक्शनल मॉक ज्यादा से ज्यादा लो। एलआरडीए में ना टॉपिक टेस्ट मत करो, एलआरडीए में किसी बुक से प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि क्या होता है एलआरडीए जो हम बुक से करते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, हमें लगता है टॉपिक हो गया, लेकिन हम टाइम नहीं देखते कितना टाइम लगा हमें उस क्वेश्चन में, है ना। तो अब आपको भाई सारा का सारा टाइमर बेस्ड प्रिपरेशन करनी है। आपके ऊपर 1 घंटे का टाइमर चल रहा होगा तो आपका पैनिक वाला जो बटन है वो वाला फियर भी खत्म हो जाएगा, साथ में यू विल बी इन अ पोजीशन टू मेक बेटर जजमेंट्स कि कौन सा सेट मुझे पिक करना था। एंड जब आप उसको एनालिसिस करोगे तो उस चीज को ध्यान रखकर आप नेक्स्ट मॉक में कर सकते हो। एंड आपको डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन नहीं करने, हमें पता है एलआरडीए में अगर आप 4 सेट भी अच्छे से सॉल्व कर लो तो आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल बनती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं क्वांट्स की, क्वांट्स को कैसे अटेम्प्ट करना है। भाई क्वांट्स में मेरे सामने जो क्वेश्चंस हैं 34 क्वेश्चंस हैं, इन 34 क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, कभी भी माइंड में एक परसेप्शन लेके मत चलो कि मेरा अरिथमेटिक स्ट्रांग है, मेरा नंबर सिस्टम स्ट्रांग है। ये मेजर मिस्टेक है जो स्टूडेंट बनाते हैं। क्यों होता क्या है, आपने सोच लिया मेरा अरिथमेटिक स्ट्रांग है, आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया टाइम एंड वर्क, बट वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो आपका जो माइंड है वो कहेगा ये क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना चाहिए क्योंकि तेरा अरिथमेटिक स्ट्रांग है, एंड वहां पे आप टाइम वेस्ट कर देते हो और वो क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आता। तो क्वांट में आपको एकदम न्यूट्रल माइंड रखना है। मेरा सजेशन सबसे ये रहता है कि सारे टॉपिक एग्जाम में पढ़ के जाओ, क्योंकि काफी सारे टॉपिक के काफी क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं। जनरली जो ट्रेंड रहता है, आउट ऑफ दिस 34 क्वेश्चन 16-18 क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इजी रहते हैं, उसके बाद 7-8 क्वेश्चन आपके मॉडरेट रहते हैं, 7-8 क्वेश्चन आपके एडवांस रहते हैं। तो ये कुछ पेपर का पैटर्न यहाँ पे बनता है। तो आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन,
क्वेश्चन रीड करते ही आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है मैं सॉल्व कर सकता हूं तो उसको अटेम्प्ट करो, आंसर मार्क करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर किसी क्वेश्चन को देख के आपको ये लगता है ये मैं सॉल्व तो कर सकता हूं बट इसमें टाइम लगेगा, तो उसे मार्क्ड एज रिव्यू कर लो। आपके ऑप्शन होता है मॉक में, उसको यूज करो ताकि आपके इंप्रूवमेंट आए। आपको पता है ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूं बट थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी अगर मैं टाइम वेस्ट कर दूंगा तो हो सकता है आगे वाले क्वेश्चन मेरे मिस हो जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको लगा ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है मैं कर ही नहीं सकता, डायरेक्ट नेक्स्ट पे आओ, कोई उसे मार्क्ड एज रिव्यू नहीं करना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगा ये मैं जल्दी से सॉल्व कर सकता हूँ, सॉल्व करो, आंसर टिक करो, मूव ऑन करो। एंड ऐसे करके मेक श्योर आपको करना है कि आप 34 के 34 क्वेश्चन को स्कैन कर रहे हो एंड जो जो इजी क्वेश्चन थे वो आपने कर लिए। तो हो सकता है फर्स्ट राउंड में आपने जब सारे के सारे क्वेश्चन इजी वाले सॉल्व करे आपने 10-12 सॉल्व कर लिए, उसके बाद आप ओपन करो जो जो आपने एज रिव्यू वाले टिक करे थे। एंड सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है, जो जो क्वेश्चन आपको लगता था ये मैं सॉल्व कर सकता हूं लेकिन टाइम लगेगा, उसको एक एक करना सॉल्व करो। देन आप देखोगे अगेन आपके 6-8 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद भी अगर आपके पास कुछ 10-12 मिनट बच जाते हैं तो आप डिफिकल्ट वाले जो क्वेश्चन छोड़े उसमें से आप कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। तो धीरे धीरे आप देखोगे क्वांट में आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो 20+24+28+ विद ईच मॉक होते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको कंसिडर करनी है। तो ये मैंने आपको भाई बहुत डिटेल में बताया मॉक को एनालाइज क्या करना है। इसके बाद एक गलती और है जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा करते हैं, वो ये है कि सर मैंने मॉक वन दिया, मेरे मॉक वन में बहुत कम स्कोर आया, मेरा स्कोर आया फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स, सर मॉक टू में मुझे 100 लेके आना है। भाई ऐसा नहीं होता। आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं, स्ट्रेटजी है 5 मार्क्स स्ट्रेटजी। आप बस अपने दिमाग में ये लेके चलो कि हर मॉक में मुझे अपने स्कोर को सिर्फ 5 नंबर से बेटर करना है, मुझे 2 या 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सही करने हैं पिछले मॉक से जो मैंने एनालिसिस किया है। तो अगर आप 3 घंटे का मॉक दे रहे हो तो आपको 3 आवर्स का एनालिसिस भी करना है, तभी जाके ये चीजें इंप्लीमेंट होगी एंड इवेंचुअली आपका स्कोर जो है बेटर होगा। तो फिर आपको नेक्स्ट मॉक में क्या करना है, 55, नेक्स्ट मॉक में 60 का टारगेट, उसके नेक्स्ट मॉक में 65, देन 70 का टारगेट। तो इस तरह से अगर आप चलोगे, आप सोचो अगर आपने 20 मॉक्स भी दिए हैं तो आपका अगर पहले मॉक में 50 था एंड हर मॉक में आप 5 मार्क्स से इंप्रूव कर रहे हो तो 50+20×5 150 मार्क्स हो जाते हैं, जिसका मतलब है 99th percentile। तो अगर आज की डेट में आप 50 मार्क्स में हो, जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई है उस स्ट्रेटजी को आप यूज करके अपने एनालिसिस कर रहे हो तो आप खुद देख सकते हो आप किस पोजीशन पे पहुंच सकते हो। भाई स्लो स्टेप है, एक मॉक एक टाइम पे देना है, उसका एनालिसिस करना है, 1 mock at a time। डिप्रेस नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी वर्कआउट करती है एंड इसकी हेल्प से आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको कैट लेवल मॉक्स करने हैं तो मैंने आपको बताया मॉक टेस्ट सीरीज हमारी आ चुकी है, वो आप परचेज कर सकते हो, वहां पे डिटेल में आपको एनालिसिस मिलता है। तो studybus.co.in पे जाके आप एनरोल कर सकते हो एंड आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगेन मैं फिर से बता रहा हूं, डू नॉट एक्सेप्ट डिफीट अंटिल यू कॉम्पीट। कॉम्पिटिशन करो, डू नॉट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। तो इस मोटिवेशन के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी तैयारी करो एंड डेफिनेटली आप कैट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।